आज के इस वीडियो के अंदर हम एक शॉर्ट टर्म के स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट की जो गिरावट आई थी उस गिरावट में इस स्टॉक के ऊपर इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है और जो चार्ट पैटर्न है वो बहुत ही बढ़िया है। पिछले कुछ टाइम से स्टॉक बिल्कुल साइडवेज एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न के अंदर काम कर रहा था और आज इस रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हमको देता हुआ नजर आ रहा है। तो लगभग 20% का रिटर्न आपको इस स्टॉक के अंदर मिल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक एजुकेशन की मकसद से है, खरीदारी बिकवाली करने की मेरी कोई राय नहीं है। जो भी कुछ आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर। यह एक लिकर स्टॉक है और सबसे पहले मैं वीडियो की डेट और समय बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी मार्केट को क्लोज होने में 1 घंटा 10 मिनट बाकी है। तो ये वीडियो 5 जून 2024 को बनाई जा रही है। समय आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दोपहर के 2:21 हो रहे हैं, अभी भी 1 घंटा 10 मिनट है। इस समय तिलक नगर का जो भाव है 248 रुपए चल रहा है, 13% की तेजी इस समय है। हो सकता है कि मार्केट क्लोज होते होते ये गिरावट या तो और मतलब जो बढ़त है और बढ़ सकती है या गिरावट आ सकती है, लेकिन हमको चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है इसलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कैसा चार्ट। अब देखें दोस्तों, अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जिस स्टॉक को बाय करना है तो उसका ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे तिलक नगर इंडस्ट्रीज का आप यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो, स्टॉक लगातार हायर हाई व हायर लो बनाते हुए चल रहा है, एक अप ट्रेंड के दौरान है। तो यहाँ पे स्टॉक में पिछले कुछ टाइम से ये जो गिरावट है ये गिरावट नहीं है, स्टॉक यहाँ पे देखें तो 1 साल होने जा रहा है, लगभग 1 साल के आसपास है। यहाँ पे बिल्कुल साइडवेज हो चुका है क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छी खासी मूवमेंट हमको पहले दी है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ ये इस तरह की गिरावट जो हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, सेम टू सेम ऐसी गिरावट हमको यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो भाई ये एक टाइम करेक्शन है स्टॉक का, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी खासी मूवमेंट स्टॉक के अंदर आ चुकी है। तो ये मैंने वीकली चार्ट आपको दिखाया था ताकि आपको जो अपना तिलक नगर इंडस्ट्रीज का जो ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी मिल सके। अब हम इसके डे चार्ट के ऊपर आते हैं। तो डे चार्ट के ऊपर देखो, मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण 2 येलो कलर के जोन बना रखे हैं। यहाँ पर जो पहला महत्वपूर्ण येलो कलर का जोन है वो है मेरे पास 180 रुपए का, ये वाला 180 रुपए इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे एक बार और मार्च के अंदर भी जो गिरा था ठीक इसी जगह से यहाँ पे बॉटम बना है, ठीक है, 2 बार स्टॉक इसी जगह से ऊपर गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो लेवल है वो 210 रुपए से लेके 215 का है, 210 से लेके 215 का है। क्यों है जरा चार्ट के अंदर देखिए, यहाँ स्टॉक लगातार देखो ये एक कंसोलिडेशन होता रहा है यहाँ पे तिलक नगर इंडस्ट्रीज, और जैसे ही इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने एक अच्छी खासी मूवमेंट हमको दिखाई है, ठीक है, ये गिरावट आई। अब देखे इस रेंज का, देखिए ये फिर से जैसे यहाँ पे तिलक नगर ने ये वाला बॉक्स बनाया था ना, सेम टू सेम ऐसा बॉक्स देखिए फिर से बनाता हुआ नजर आ रहा है तिलक नगर, 245 रुपए के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे जो पहले ये एक रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट रहा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रहा, ये ब्रेक हो गया, तो अब यहाँ पे आपको लगातार यहाँ पे सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो 215 रुपए के आसपास का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और तिलक नगर इंडस्ट्रीज का स्टॉक हमें लगता नहीं इस लेवल को ये ब्रेक कर सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो हम नजदीकी बॉक्स पैटर्न की बात कर रहे थे, देखिए मैं उसके ऊपर आपको यहाँ पे चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास में ये इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल है जो लगभग 245 के आसपास आता है। देखिए एक बार 3 दिन ये रही, फिर ये रहा, फिर ये रहा, आज के दिन इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ में हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर हम टारगेट की बात कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म का मतलब कितना हो गया, कम से कम 1 से 3 मंथ तक के लिए आपको स्टॉक के अंदर रुकना होगा। ये नहीं कि अभी हमने कह दिया बाई के लिए तो आप 2 दिन बाद परेशान हो जाओ। टारगेट टारगेट 285 रुपए से लेके 290 के टारगेट नजर आते हैं, 215 रुपए का हमारा पहला स्टॉप लॉस इसके अंदर रहने वाला है। साथ में यहाँ पे एक अपन को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न को मार्क करूंगा ना, ये देख सकते, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है, एक मिनट गलत ड्रो हो चुके, मैं दोबारा से यहाँ पे आपके लिए पैटर्न बनाता हूँ। ये देखिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज का, अब यहाँ पे देखेंगे ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये अपने पास में पूरा एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये अपने पास में हेड हो गया, हेड के बाद ये राइट शोल्डर बन चुका है, और यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये इसके लिए नेक लाइन का काम कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो ये लगातार 3 बार रेजिस्टेंस रहा, ये रेजिस्टेंस रहा, आखिरकार यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है।
तो देखो ये वीडियो अधिकतर लगभग शाम को 5 बजे के आसपास आएगा, क्योंकि इस समय अभी मार्केट क्लोज होने में 1 घंटा बाकी है। तो आज का जो हाई बनता है उस हाई के ऊपर जब तिलक नगर इंडस्ट्रीज का स्टॉक कल निकलता है, परसों निकलता है, तो आप इसमें यहाँ पर अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर बाई कर सकते हो। मुझे तो यहाँ पे पैटर्न बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे बॉटम बन चुका है। साथ में यहाँ पे मैं 200 ईएमए के ऊपर भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो 200 ईएमए है ना वहां पे इसका लगातार डायनेमिक सपोर्ट बनता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे ये येलो कलर की जो लाइन नजर आ रही है, ये 200 ईएमए मेरे पास में, यहाँ पे देखेंगे ना तो ये देखिए ये सपोर्ट अपने पास में डायनेमिक सपोर्ट, और यहाँ पे देखेंगे तो लगातार 3 बार इसी ईएमए का सपोर्ट यहाँ पर अपना तिलक नगर इंडस्ट्रीज का स्टॉक ले चुका है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मुझे लगता नहीं है कि 215 के लेवल इस स्टॉक के अंदर ब्रेक होने वाले हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंदर हमने तिलक नगर इंडस्ट्रीज के स्टॉक के ऊपर बात करी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।